टुडे वी आर डूइंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमारे तीन टाइप के डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. सो हमारा आप सबको पता है कि पॉजिटिव कहाँ यूज करते हैं एंड कंपैरेटिव कहाँ यूज करते हैं, जहां पर दो लोगों के बारे में कंपेयर बात हो रही हो या कंपेयर कर रहे हो. एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. सो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड देखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है बिग, थिन, हॉट, ब्राइट, वीक, स्मार्ट, हाई, लार्ज, हैप्पी, कॉस्टली, ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट. सो अब एक एक करके आपसे मैं पूछूंगी कि आप मुझे बताएंगे कि पॉजिटिव वर्ड तो ऑलरेडी मैंने गिवन है, तो यहाँ पर आपको बताना है कंपैरेटिव क्या होगा एंड सुपरलेटिव क्या होगा. सो इसमें यहाँ पर गिवन है बिग. सो सबसे पहले रेहान खड़े हुई है बेटा, कि बिग का हमारे कंपैरेटिव बताइए एंड सुपरलेटिव बताइए. सो बिगर एंड बिगेस्ट. ओके, सो इसमें आपने सही बताया, बट क्या बिगर में जी हमारा एक आएगा या डबल जी आएगा? डबल आएगा. वेरी गुड. सो हमारा यहाँ पर कंपैरेटिव में आ जाएगा बिगर एंड यहाँ पर हम सुपरलेटिव करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है बिगेस्ट आ जाता है. यस, नेक्स्ट हमारा आता है थिन. सो थिन का मुझे मैंग बता देंगे. मैंग बताइए बेटा, थिन का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव एंड थिनर एंड थिनेस्ट. क्या इसमें भी हमारा कोई अल्फाबेट डबल आएगा? आएगा या नहीं आएगा? वो जो थिन क्या लगता है आपको? अब जैसे थिन है तो आपको उसका थिनर बताना है तो डबल एन आ जाएगा. थिनेस्ट बताना है तो इसमें क्या आ जाएगा? डबल एन आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हॉट. सो हॉट का चलिए बताइए बेटा, बताइए हॉट का हमारा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. हॉटर, हॉटेस्ट. यस, तो क्या इसमें डबल आएगा अल्फाबेट और नॉट? हॉट का बताओ. सोचो. यस. चलिए से डाउन. यहाँ पर हॉटर आ जाएगा एंड नेक्स्ट आ जाएगा हॉटेस्ट जिसमें डबल टी आएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट हमारा आता है ब्राइट. सो ब्राइट का मैं तो आप बताइए बेटा. ब्राइट का ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. वेरी गुड. क्या इसमें आएगा डबल टी या डबल आर या डबल ई आर कुछ आएगा? मैम ब्राइटेस्ट नहीं आएगा. अच्छा, तो ब्राइट का अगर हमने यहाँ पर लिख दिया ब्राइटर तो जी एस टी ई आर लग गया. ठीक है, इसमें ऐड होता है ई आर एंड ब्राइटेस्ट बी आर आई जी एच टी ई एस टी लग जाता है. आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना तो इसमें मोस्ट ऑफ दी ई आर वर्ड आते हैं एंड इसमें आई ई एस टी लग जाता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा हो जाता है नेक्स्ट वीक आ गया. सो वीक का क्या हो जाएगा मयंक बताओ बेटा? वीक का वीकेस्ट. Weaker and weakest. Very good. So write it down. Weaker and weakest. Okay. Next है हमारा smart. So smart का रियान बताइए. Smart का smarter, smartest. Very good. Smart का smarter T E R लग जाएगा and then smartest. वेरी गुड. नेक्स्ट आता है हमारा हाई. सो हाई का क्या हो जाएगा बताइए? आप बता दीजिए बेटा. हायर एंड हाईएस्ट. वेरी गुड. सो इसमें भी हमारा जी एच टी आर लग जाएगा एंड हाईएस्ट. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है लार्ज. सो लार्ज बताइए बेटा. मैं तो चलिए बताइए लार्ज लार्ज लार्जर लार्जेस्ट लार्जर एंड लार्जेस्ट. ओके, लार्जर. नेक्स्ट है लार्जेस्ट. यस, नेक्स्ट है हैप्पी. सो हैप्पी का बताइए बेटा रेहान. हैप्पियर, हैप्पियर एंड हैप्पियर. सो क्या इसमें वाई हमारा हटेगा या सेम ऐसे ही लगाना है बताइए? कैसे स्पेलिंग होगी? एच ए डबल पी आई ई आर. वेरी गुड, आई ई आर. एंड हैप्पियर स्पेलिंग एच ए डबल पी आई ई एफ टी. वेरी गुड, राइट. नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्टली. सो बताइए बेटा. हाँ आप बता दो मैम, बताइए. कॉस्टलियर एंड कॉस्टलियर. अब इसमें भी हमारे लास्ट में वाई है तो उसको हटाकर हमें क्या लगाना है? आई ई एन एंड आई ई एस टी कॉस्टलियर, राइट. सो नेक्स्ट हमारा आप कौन बताएगा यहाँ पर? ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल का चलिए आप बता दीजिए बेटा. ओके, वेरी गुड. ब्यूटीफुल में ना ही हमारा ईआर लगता है और ना ही हमारा ईएसटी लगता है. इसमें हमें वर्ड ऐड करने होते हैं मोर एंड मोस्ट. सो मोर ब्यूटीफुल
एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। यस, एक लास्ट और है जिसमें हमने लिखा है वर्ड इज इम्पोर्टेंट। सो चलिए मैं बता दूं, मैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। इसमें भी हमारा एंड हो जाएगा मोर इम्पोर्टेंट। Most important. देखिए अब हमने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम क्या करेंगे, उसमें हम फिलअप्स टाइप की करेंगे, उसमें हम सेंटेंस में देखेंगे कहां पर हमें कंपैरेटिव करना है, कहां पर हमें सुपरलेटिव और कहां पर हमें पॉजिटिव वर्ड करना है। ओके,